खेरने में खेतीबाड़ी और घर को बाढ़ के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। कृषकों की हालत दयनीय हो गई है। सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। बाढ़ के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें सीलडीवी की है, जहां घर का टीन थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था। हर तरफ बाढ़ का पानी ही पानी दिख रहा था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेरनी नेपाली बस्ती, दास बस्ती, सीलडीवी के कई अंचलों में किस तरह से जो है लोगों का नुकसान हुआ है। गांव में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। लॉकडाउन के समय जहां लोग परेशान हैं, वहीं खेरनी दास बस्ती, नेपाली बस्ती, बोगड़ी घाट और सिलडीबी के कई गांव में आई बाढ़ की विभीषिका के कारण लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोगों के घर बार पानी में डूब गए हैं। खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कृषकों की हालत दयनीय हो गई है। वहीं MSC रीना तेरानपी दास बस्ती में लोगों का जायजा लेने पहुंची थी और लोग किस तरह से हैं उनको देखने के लिए MSC रीना तेरंग भी पहुंची थी। उनके साथ BDC चेयरमैन हॉन सिंह तेरंग भी मौजूद थे। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों का नुकसान हुआ है। खेरनी थाना प्रभारी एंथोनी रंग भी दास बस्ती, नेपाली बस्ती, बोगड़ीघाट और सिलडीबी के गाँव में पहुँच कर स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कह रहे थे। कल वो सभी गाँव में गए और गाँव में जाकर लोग किस हाल में हैं उनको देखे और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहे थे। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से जो है बाढ़ के कहर के बाद लोगों का घर, खेतीबाड़ी, हर चीज़ डूब गया था। फिलहाल अच्छी खबर है कि कपली नदी का जलस्तर कमने लगा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से कई मांग की है। सुनिए उनकी मांग। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए कार्बी आनंद से रवि कुमार वर्मा की रिपोर्ट। खेरनी दास बस्ती में पानी समस्या कपली के बहुत जोर से गांव में डूब गया है। पानी खेती गृहस्थी घर द्वार में पानी डूब गया है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ये समस्या आगे भी पानी आ रहा तो हम लोग का बोला गया रहा कि बांध होशियारी करना होगा, नहीं किया। एक तो बनौरी मांगा गया रहा कि जैसे दास बस्ती होते बीमारी होकर रोड मिलाने के लिए, वो भी नहीं मिलाया। सरकार से अभी निवेदन है कि ये चीज़ होना चाहिए। और जितना खेती बाड़ी घर द्वार सब डूब गया है आप लोग का। कितना घर डूबा है यहाँ पे? एजा में 130 घर डूबा है। 230 घर। लोग कहाँ है अभी यहाँ के? जो लोग कुछ खेरनी चला गया, खेती सब नुकसान, जहाँ तहे कुटुम्ब बाड़ी में खेरनी जगह में घुसा है, काले से पानी घुस गया। असम हेडलाइंस न्यूज के लिए कार्बी आंगलांग ब्यूरो रवि कुमार वर्मा की रिपोर्ट। कल हमने असम हेडलाइंस न्यूज पे बाढ़ की एक रिपोर्ट दिखाई थी कि लोगों को किस तरह से नुकसान हुआ है, उस रिपोर्ट को देखिए। इसके बाद असम में कई नदियां उफान पर है और पश्चिम कार्बी आंगलांग जिले के सिलडीबी इलाके में कई गांव डूब चुके हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, मेरे पीछे का जो इलाका दिख रहा है यहाँ पे कई घर पानी में डूब गया है और जो लोग हैं वो रास्ते पे आके रह रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे आके रहने को मजबूर हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है। और मेरे साथ बात करने के लिए एक शख्स है, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे पानी कैसे घुसा और कब आया था पानी यहाँ पे? पानी देखिए कल परसों से आ रहा है, लगातार बारिश होने की वजह से कपिल नदी के पानी जो बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग के चारों तरफ जो पानी भरपूर हो गई है। यहाँ कई गांव है, 4-5 गांव है, धरिए सब पानी के नीचे अभी डूबने लग गया है। धरिए ऐसा लगता है कि यहाँ समुंदर छा गया है। कितने गांव इससे प्रभावित है पानी से? इस पानी की वजह से 5-6 गांव अभी हम लोग के इलाके में प्रभावित है। पानी में डूब चुका है, आदमी लोगों को खाने का अभी कुछ नहीं है फिलहाल। धरिए पहला तो ये है कि सारा जो मैला पानी है चारों तरफ घुस गया, तो पानी पीने के लिए पहला नंबर पीने का पानी का अभाव है। आदमी लोगों का खाने का चावल और जो राशन इत्यादि